भी क्या आ रहे हैं, ठीक है हम। ओके मैम। हाँ बेटा, हम लोग का टॉपिक कहाँ पे था? मैम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा था। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ना। हाँ मैम। मैम टैप रूट पढ़ रहे थे। हाँ टैप पढ़ रहे थे ना हम लोग। मैम। देखो टैप रूट के बारे में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग को स्टडी करना है। हाँ, हम लोगों ने देखा टैप रूट, ठीक टैप रूट। नेट चला गया वो। स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो रही है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हमें सबको बात क्लियर हो गई? डाउट जरा देखो। नो हमने मैम। क्या कहा, हमने क्या कहा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मामला हमारे तीन रूट सिस्टम है, एक टैप रूट सिस्टम, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम, तीसरा एडवांटेजियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में एक मेन ब्रांच है, एक हम लोग का प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन टर्शियरी है, रूट हेयर है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज टैप रूट सिस्टम। रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, टैप रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। उसके बाद आता है एडवांटेजियस रूट एक्सेप्ट रेडिकल। एडवांटेजियस रूट एक्सेप्ट रेडिकल कहीं से भी ग्रो करें, रेडिकल छोड़ दें बस, तो वो हो जाएगी हम लोग के एडवांटेजियस रूट। और इसमें आ गई ग्रासेस, फाइबरस रूट, ये ओरिजिनेट करेंगी बेसिस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से ग्रो करेंगी। इट इज नोन एज फाइबरस रूट, इट इज नोन एज फाइबरस रूट। बात क्लियर हो गई? एसएस ले लो बेटा। ले लिया मैम। लिया। अब जरा देखो इसे रफ कर दें हम। अब हम आ गए हाँ मैम। किस कंडीशन पे आ गए हैं, अब हम स्टेम पे आ गए हैं कि हमको स्टेम पे क्या पढ़ना है, रूट का फंक्शन क्या है और स्टेम का क्या फंक्शन है, ये पढ़ना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट, स्पेसिफिकली जो रूट होती है फंक्शन ऑफ रूट देखेंगे। अभी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी देखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ रूट है पहला, इट हेल्प्स में, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसका मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल
फ्रॉम सॉयल, लेकिन कुछ ऐसी रूट्स हैं जो मॉडिफाइड हो गई हैं. सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. बात समझ गए? सम रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात समझ गए? कुछ रूट्स मॉडिफाइड है, ये हम लोगों का एक अलग टॉपिक हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड डिस्टेंस. रूट जब आएगी तो टाइप्स ऑफ रूट, रूट का मेन क्या वर्क है. अब हम लोग देखेंगे रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं. तो बेटा हम लोग रूट का अगर रीजन देखेंगे तो हम ऐसे करके ये एक मेन ब्रांच बनाएंगे. रूट के रीजन होते हैं, एक है हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन, मेरिस्टमेटिक जोन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट कैप, रूट कैप. ये हम लोगों के पार्ट हो गए. तो स्टूडेंट हम लोग देखते क्या है कि जो लास्ट पार्ट है वो रूट कैप है, लास्ट पार्ट है रूट कैप है. ठीक, किसी भी प्लांट में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर रूट कैप और स्टेम का टिप, रूट टिप और स्टेम टिप होता है, तो टिप पर जो सेल्स होती हैं वो अबंडेंट क्वांटिटी में ग्रो करती हैं. जो टिप पे सेल्स होती हैं वो अबंडेंट क्वांटिटी में ग्रो करती हैं, उसमें डिवीजन की लॉट ऑफ अमाउंट में कैपेसिटी प्रेजेंट होती है. अगर डिवीजन की लॉट ऑफ अमाउंट में कैपेसिटी प्रेजेंट है तो दिस रीजन इज नोन एज, इतने रीजन को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन. यानी इस जोन में, मेरिस्टमेटिक जोन यानी इस जोन में क्या होगा कि हम लोगों की वो सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनमें लॉट ऑफ अमाउंट में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है. लॉट ऑफ अमाउंट में डिवीजन की कैपेसिटी प्रेजेंट है, वो सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगी. यानी वो जल्दी डिवाइड कर सकेंगी, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करती रहेंगी. अब अगर ये सेल डिवाइड करती रहेगी तो इसकी लेंथ भी बढ़नी चाहिए. तो उसके बाद आता है बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी ये रीजन हो गया हम लोगों का रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो जो सेल्स को इलोंगेट करती हैं. रीजन ऑफ इलोंगेशन ये डिवाइड करके सेल्स की लंबाई को बढ़ाती हैं. और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं रूट हेयर्स, रूट हेयर्स यहाँ से निकलते हैं हम लोगों के. बहुत ही गंदे रूट हेयर हमने बनाए हैं, ये रूट हेयर्स निकले हैं. इसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन. क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन, यानी यहाँ से मैच्योरिटी आ रही है, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ से केवल रूट हेयर्स निकलेंगे. बात समझ गए? हमारे रूट में तीन रीजन प्रेजेंट हैं, तीन रीजन है. यहाँ रूट हेयर्स ऐसे लंबे लंबे बना सकते हैं हम लोग, लंबे लंबे बना लेंगे. अगर हम रूट के रीजन देखेंगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक जोन, यानी ये डिवीजन में हेल्प करेगा. इलोंगेशन जोन, ये लेंथ में हेल्प करेगा. मैचुरेशन जोन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. रूट कैप ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा. टिप पर, चाहे वो शूट टिप हो या रूट टिप हो, हमेशा टिप पर जो है वो ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिवीजन में पार्ट प्ले करती हैं, ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिवीजन में पार्ट प्ले करती हैं. इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? ले लो एसएस. ले लिया मैम. ले लिया? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. रब कर दें? हाँ मैम. आप जरा देखिए, हम लोग स्टेम पे आ गए हैं. हमने एनिमल किंगडम का आपको नोट्स दे दिया ना बेटा? नहीं मैम, मैंने कुछ एनिमल किंगडम के नहीं दिए, सेल वाले के दे दिए. चलो एनिमल किंगडम और हम आज मॉर्फोलॉजी के दे देते हैं. ठीक. कुछ अगर मिस्टेक्स मिले तो आप उस पर टिक कर लेना, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट लिखते हैं ना, बोल हम बोलते हैं तो
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लिख जाता होगा। अब आ गए हम लोग सूट सिस्टम, सूट सिस्टम पे, ठीक है। सूट सिस्टम पे एक मेन ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम, उसके बाद आती है ब्रांचेस, उसके बाद आती है ट्विग, उसके बाद आती है ब्रांचेस, ब्रांचलेट, फिर ट्विग, फिर लीफ, लीव्स, फिर फ्लावर, फिर फ्रूट। इतने सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। यानी अगर हम लोग देखते हैं सूट सिस्टम क्या है, सूट सिस्टम क्या है, तो सूट सिस्टम में देखते हैं कि इतने सबको मिलाकर हम लोग सूट सिस्टम बोलते हैं। बात समझ गए? ठीक है, स्टेम, ब्रांचेस, ब्रांचलेट, ट्विग, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सूट सिस्टम बोलते हैं। तो एक मेन ब्रांच हमने स्टेम ले ली, फिर ब्रांचेस ले लिया, फिर ब्रांचलेट ले लिया, फिर ट्विग ले लिया। यानी एक ये मान लीजिए हम लोगों ने स्टेम लगाया है, तो स्टेम कैसे हो जाएंगे हमारे, स्टेम या तो हमारे वुडी होंगे, वुडी होंगे, या तो हर्बेशियस होंगे, या तो हर्बेसियस होंगे, हर्बेसियस होंगे, या तो हमारे श्रबी होंगे, बुशी टाइप के श्रब्स होंगे, या तो क्लाइंबर्स होंगे। इतने टाइप के स्टेम्स प्रेजेंट है हमारे में। बात समझ गए? स्टेम या तो वुडी हो, क्लाइंबर्स यानी किसी चीज के ऊपर रोटेट करके ग्रो करें, लाइक मनी प्लांट, लाइक मटर, सेम, बीन, तरोई, लौकी, श्रब यानी लाइक तुलसी, हर्बेशियस यानी लाइक बनाना, एंड वुडी लाइक नीम, बनियान ट्री, बबूल, मैंगो, ये सब इतने टाइप के स्टेम के फीचर्स हैं। स्टेम का मेन काम है कि ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ प्लांट को। जैसा हम लोगों का स्टेम होगा उसी टाइप की स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी प्लांट को। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं मेन जो चीज है वो आ गई हमारी लीफ। मेन चीज आ गई हमारी लीफ। तो हम यहाँ पर आ जाएं और स्टेम में एक चीज और देख लेंगे। स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस है कि स्टेम में दो पार्ट होते हैं, दैट इज नोड और इंटरनोड, दैट इज नोड और इंटरनोड। लाइक सुगर केन देखें तो सुगर केन में इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटरनोड। नोडुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं नोड, और दो नोड्यूल्स के बीच के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? यानी ये नोड है और दो नोड के बीच का स्पेस जो है वो हम लोगों का इंटरनोड है। जो भी लीफ या ब्रांच या ट्विग या कुछ भी ओरिजिनेट होगा तो वो नोड से ओरिजिनेट होगा, इंटरनोड से नहीं ओरिजिनेट होगा। बात समझ गए? स्टेम वुडी हो सकता है, हर्बेसियस हो सकता है, श्रब हो सकता है, क्लाइंबर्स हो सकता है। स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जो कि रूट में नहीं है। स्टेम में भी सूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नोड पर ही एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है, नोड पर ही ब्रांचेस ग्रो करते हैं, नोड्स इंटरनोड से कुछ भी ग्रो नहीं करता। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? ले लो एसएस। तो इसको नोट करते जा रहे हो ना कॉपी पे? हाँ, नोट करते रहोगे तो एक बार इसको लिख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, फिर नोट्स मिल जाएंगे, उसको लिख लोगे तो लर्न हो जाएगा, कॉपी लेके रटना नहीं पड़ेगा। अब आ जाएंगे हम लोग किस पे, मेन आ गया लीफ। तो व्हाट इज लीफ? तो लिखेंगे इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस।
इतनी बात क्लियर हो गई? यानी हमने क्या बोला, इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा पार्ट ग्रीन जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर नोन एज लीफ। तो बेटा देखेंगे लीफ के पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ लीफ हम देखते हैं। अब हम एक बात और देखें, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट, ऑफ लीफ ऑन द प्लांट इज नोन एज, इज नोन एज फाइलोटैक्सी, इज नोन एज फाइलोटैक्सी। क्लियर हो गया बात? इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द प्लांट इज नोन एज फाइलोटैक्सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ लीव, पार्ट्स ऑफ लीव यानी लीव के कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा हम लीव को ऐसे करके यू बना लेंगे, यू बना लिया हमने लीव को। अब हम लीफ के पार्ट देखेंगे, इस पार्ट को बेटा हम लोग बोलेंगे एपेक्स, एपेक्स। इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिन, इसको क्या बोलेंगे, मार्जिन। इसको बोलेंगे मिडरिब, इसको बोलेंगे मिडरिब। इसको बोलेंगे हम लोग वेन्स, ठीक। इसको बोलेंगे हम लोग पेटियोल, पेटियोल यानी स्टॉक। इसको बोलेंगे लीफ बेस, लीव बेस, ठीक। ये हो गया बेटा हमारा लेमाइना, लेमाइना। लेमाइना को लीव ब्लेड के नेम से भी जानते हैं, लेमाइना को लीव ब्लेड के नेम से भी जानते हैं। आप जरा देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम देखते हैं लीव का स्ट्रक्चर, तो अगर लीव में ट्विग है यानी डंटल है, स्टॉक है, व्हेन पेटियोल इज प्रेजेंट, when petiole is present, leaf is known as petiolate, petiolate। clear हो गई बात? when petiole is absent, absent, leaf is known as sessile, leaf is known as sessile। क्लियर हो गई बात? अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो लीफ को बोलते हैं हम लोग बेटा पेटियोलेट, और अगर पेटियोल एब्सेंट है तो लीफ को बोलते हैं सेसाइल। अब हम लोग देखेंगे पेटियोलेट तो सारी लीफ होती हैं, सेसाइल लीफ कौन सी है? सेसाइल लीफ है हमारी मस्टर्ड प्लांट, सेसाइल लीफ है मस्टर्ड प्लांट, यानी सरसों की पत्ती में डंठल नहीं होता, सरसों की पत्ती में डंठल नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हाँ। देखो इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ के बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज अ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट इज नोन एज फाइलोटैक्सी, यानी अगर लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ कौन कौन से हैं? हमने लीफ को ड्रॉ किया एक सिंपल लीफ को, तो हम लीफ के पार्ट क्या देखेंगे, पेटियोल है, लेमाइना है, मार्जिन है, एपेक्स है, ब्लेड है यानी लीफ ब्लेड, वेन्स है, मिडरिब है, ठीक है। पेटियोल है, मार्जिन है, लेमाइना है, मिडरिब है, वेन्स है और एपेक्स है। अगर हम देखते क्या है कि लीफ में पेटियोल है तो बोलते हैं लीफ को पेटियोलेट, और अगर डंठल नहीं है मतलब ये ट्विग नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेसाइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसाइल। और सेसाइल लीफ पर, क्योंकि पेटियोल तो सारी लीफ्स में है, सेसाइल जिस लीफ में नहीं है उस लीफ का नाम है मस्टर्ड प्लांट। उस लीफ का नाम क्या है? मस्टर्ड प्लांट। ले लो बेटा एसएस। अब जरा देखो, अब आते हैं हम लोग
देखें हम लोग क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ में पेटियोल और सेसाइल की बात आ गई, अरेंजमेंट ऑफ लीफ की बात आ गई, अब मार्जिन की बात आएगी कि अगर मार्जिन प्लेन है, प्लेन मार्जिन है, तो इसको बोलते हैं सिंपल मार्जिन, सिंपल मार्जिन। और अगर मार्जिन रोज लाइक है, रोज लाइक है, तो इसको बोलते हैं सेरेटेड मार्जिन, सेरेटेड मार्जिन। बात समझ गया? उसके बाद अगर लीफ सिंपल है, सिंपल है, लेमाइना इज नॉट डिवाइडेड, लेमाइना इज नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड, तो दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, इसको हम लोग सिंपल लीफ बोलेंगे। ठीक, अगर लेमाइना डिवाइडेड में है लाइक पीपल, लाइक पीपल, लाइक पान का पत्ता, ठीक, पान लीफ, ये दोनों सिंपल लीफ हैं। ठीक, अगर लेमाइना, अगर लीफ ऐसे डेवलप कर रही है तो टूवर्ड सन जो सरफेस है वो डार्क होगा, और जो टूवर्ड अर्थ होगा वो लाइट होगा, टूवर्ड सन डार्क, टूवर्ड अर्थ लाइट। तो ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। इसमें क्या देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। मम्मी बात समझ में नहीं आई, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे एक ब्रांच है, इस ब्रांच से ऐसे लीफ निकली हुई है, तो अगर ये लीफ ऐसे निकली है तो ये पार्ट जिस पे सनलाइट पड़ रही है वो डार्क कलर का होगा, और अगर हम लीफ को ऐसे पलट दें तो वो लाइट कलर का पार्ट होगा। तो जो लाइट पार्ट है दैट इज नोन एज वेंट्रल, और जो डार्क पार्ट है वो होगा हम लोगों का डॉर्सल। ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल। बस समझ गए? जब यहाँ पे ऐसे लाइन होगी यहाँ, तो पीछे जब देखोगे तो लाइन उभरी हुई से नजर आएगी, आगे गड्ढा होगा, पीछे प्रोजेक्शन होगा, आगे गड्ढा होगा डिप्रेशन और पीछे प्रोजेक्शन होगा। बात समझ गए? बात समझ गए परी? बात क्लियर हो रही बेटा? बात क्लियर हो रही बेटा? हाँ हाँ। देखो कंडीशन क्या है, जैसे ये लीफ एक हमने ली है, ठीक, तो इस लीफ को देखना, ये सरफेस इसका डार्क दिख रहा है, और जब इसको ऐसे पलट देते हैं तो ये सरफेस इसका लाइट दिखता है, लाइट दिख रहा है। मार्जिन देखो इसकी सेरेटेड है, मार्जिन सेरेटेड है, वेवी, ये पेटियोल है और ये इधर गड्ढा है, और इधर ये हम लोगों का उभरा हुआ पार्ट है, देख रहे हो, ये बात देख रहे हो, इस लीफ से बात समझ में आ रही है परी? कहाँ चले गए? बात क्लियर हो रही बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। देखो उसके बाद क्या है, देखिए अगर कंपाउंड लीफ कैसी लीफ होती है, कंपाउंड लीफ, तो बेटा देखेंगे when lamina divided into lamina, lamina divided into small leaflet, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, compound leaf। क्या बोलेंगे हम लोग, compound leaf, लेमाइना डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट, तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ, लाइक नीम, लाइक रोज, लाइक टैमरिंड यानी इमली। बस समझ गए कैसे होगा डिवीजन, ऐसे मिडरिब होगा, ये हम लोगों की छोटी छोटी पत्तियां हो जाएंगी, अगर हम इन सबको मिला देंगे तो एक लीफ बन जाएगी, एक लीफ बन जाएगी।
तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं लीफलेट, इसको बोलते हैं हम लोग लीफलेट, और तब इस मिडरिप को बोलते हैं रैकिस, तब हम इस मिडरिप को बोलते हैं रैकिस। आपने देखा होगा नीम के पत्ते में क्या होता है, ऐसे करके ये पूरा खींच दो तो एक ट्विग अपने आप निकल आता है, तो दिस लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ। बस समझ गए, इस लीफ को हम लोग कंपाउंड लीफ बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, लेमिना डिवाइडेड इनटू स्मॉल लीफलेट, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ, लाइक नीम, रोज एंड टैमरिंड, नीम, रोज एंड टैमरिंड। और सिंपल लीफ है, लेमिना इज नॉट डिवाइडेड, लेमिना इज नॉट डिवाइडेड, दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ, सॉरी सिंपल लीफ। ले लो ऐसे बेटा, बार बारिश हो रही है, मौसम कैसा है? काले काले वाले लग रहे हैं। देखो बेटा, अब हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड लीफ होगी, अब देखेंगे विनेशन, विनेशन ठीक। तो विनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स, ऑन द लीव्स इज नोन एज, इज नोन एज विनेशन, इज नोन एज विनेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द वेन्स इज नोन एज विनेशन। बस समझ गए, तो बेटा विनेशन कितना हुआ, विनेशन के टाइप्स हुए, टाइप्स ऑफ विनेशन, टाइप्स ऑफ विनेशन अगर होगा तो क्या देखेंगे, विनेशन इज टू टाइप्स, टू टाइप्स, दैट इज पैरेलल, दैट इज पैरेलल नंबर वन, नंबर टू रेटिकुलेट, नंबर टू रेटिकुलेट, पैरेलल और रेटिकुलेट। बस समझ गए, टाइप्स ऑफ विनेशन टू टाइप्स है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज नोन एज विनेशन, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ विनेशन क्या, टू टाइप्स है, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल विनेशन क्या होता है बेटा, अगर वेन्स इस तरीके से अरेंज हैं अपोजिट टू ईच अदर तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल। और सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बनाना, बनाना में इतना अच्छा पैरेलल विनेशन है कि उसकी लीव्स ऐसे ऐसे करके टूट जाती हैं, पैरेलल विनेशन इट इज फाउंड इन बनाना, ठीक है। वेन्स आर अरेंज इन अपोजिट मैनर, वेन्स आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन अपोजिट मैनर, अपोजिट मैनर नोन एज पैरेलल विनेशन फाउंड इन बनाना। क्लियर हो गया।
अगर इसी जगह पर veins are arranged in like network form that is known as reticulate venation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? reticulate venation. अब हम देखेंगे reticulate venation का सबसे अच्छा एग्जाम्पल. ये नेटवर्क ऐसे ये अरेंजमेंट पूरी वेन्स का नेटवर्क इस तरीके से प्रेजेंट है. एग्जाम्पल है इसका पीपल. बस समझ गए. अगर पीपल के पेड़ को हम ड्राई अप कंडीशन में देखेंगे और ऐसे कट कट मार देंगे तो उसका जो नेटवर्क है वो हमको दिखाई देगा और जो उसका लेमाइना का ब्लेड है वो सूख कर झड़ जाएगा. बस समझ गए बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई. वेनेशन, टाइप्स ऑफ वेनेशन, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स, फाइलोटेक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट दैट इज नोन एज फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स इज नोन एज वेनेशन, पैरेलल एंड रेटिकुलेट. अब बेटा हम लोग देखेंगे फाइलोटेक्सी के टाइप. फाइलोटेक्सी के क्या टाइप है? पेटियोल प्रेजेंट, पेटियोलेट एबसेंट, सेसाइल. क्लियर हो गई बात थी. अब हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे. बेटा एसएस ले ली थी? नहीं मैम, मेरे को लगा आप और लिखोगे अभी तो लेनी थी. चलो ले लो, हम गलती से रब कर दिए, पूछा ही नहीं, मतलब बोला ही नहीं कि ले लो. हाँ मैम, तभी तो मैंने नहीं दी. सॉरी नहीं. अब जरा देखो, अब हम देखेंगे यहाँ पर फाइलोटैक्सी का क्या अरेंजमेंट है.